बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bbcurdu.com हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को होने वाले हादसे के बारे में कुछ अहम सवालों के जवाब देते हैं। अहम सवाल मतलब, लैंडिंग के दौरान तैयारी की हालत कैसी थी? क्या वाकई पहली लैंडिंग के दौरान रगड़ खाने से तैयारी के इंजनों को नुकसान पहुंचा था? अगर हाँ, तो नुकसान पहुंचने के बावजूद वही इंजन तैयारी को 3000 फुट की बुलंदी तक कैसे ले गए? BBC लिखता है, तैयारी की सेहत और हालत के बारे में बहुत से बातें की जा रही हैं, मगर इसके इंजन के हवाले से एक बात इस सारे वाक्य से साबित शुदा है कि उन्होंने रगड़ खाने और रनवे पर घसीटने के बावजूद तैयारी को उठाया और 3000 फुट की बुलंदी तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ये किसी मौजजे से कम नहीं है। इससे पहले एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा एक मरतबा दुबई एयरपोर्ट पहुँचा और लैंडिंग के वक्त तैयारी ने उतर कर रनवे पर लगने से 8 सेकेंड बाद दोबारा प्रवास करने की कोशिश की थी, मगर 80 फुट बुलंद होने के बाद तैयारा दोबारा ज़मीन पर गिरा और रगड़ खाकर रनवे पर जाकर रुक गया था और इसमें आग लग गई थी। इससे मुमकिन तौर पर वाज़ह होता है कि PIA के तैयारे में मुमकिन तौर पर कोई ख़राबी नहीं थी, क्योंकि अब तक सामने आने वाले शवाहिद से ये पता चलता है कि ज़ाहिर तौर पर तैयारे ने आखिरी लम्हे तक कप्तान का साथ दिया। टच डाउन के बाद इंजन के रनवे से रगड़ खाने के बाद दूसरी कोशिश में भी तैयारा बज़ाहिर आखिरी लम्हात से कबल तक पायलट के कंट्रोल में रहा, लेकिन इसकी लैंडिंग गियर के बारे में सवालात का जवाब ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। क्या इन्हें खोला नहीं गया था, और अगर खोला गया था तो वो क्यों नहीं खोले? Pakistan 8303 Roger, sir, both runways available to land.